किसी क्षेत्र के अंदर कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, कोई भी क्षेत्र अगर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क मिल जाए, इसके बाद बचता क्या है। और हम तो भोलेनाथ की नगरी वाले लोग हैं, हमारा तो डंका बज रहा है अभी यार वापस 24 के बाद 28 आने वाला कुंभ मेले का। और इस बार का जो कुंभ आएगा दुनिया देखेगी कि कुंभ मेले का आनंद कैसा होता है और पूरे क्षेत्र के अंदर विकास किस प्रकार से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट, मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही। बता दें कि जिस प्रकार से मोहन यादव के आने के बाद से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया, वो ये बताता है कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी बीजेपी आलाकमान से नाराज है। कई बयानों में देखा गया कि शिवराज अपनी पार्टी के विरुद्ध बोलते नजर आए, उनके बेटे कार्तिकेय मंच पर उतर कर आए और पिता के लिए तमाम बातें बोलते नजर आए। कभी बोलते नजर आए कि पिताजी वोट मांगने नहीं आए थे, मैं वोट मांगने आया था। अगर बात पिताजी पे आती है तो मैं विपक्ष के पार्टी के खिलाफ भी आ सकता हूं। फिर कार्तिक ये बोलते नजर आए कि पिता के खातिर अगर मुझे राजनीति में आना पड़ा तो वो भी मैं आ जाऊंगा। अभी मैंने कुर्ता पजामा नहीं पहना है, अभी मैंने खादी नहीं पहना है, लेकिन अगर पिता की छवि की बात आई, पिता के बारे में बात आई तो मैं मैदान पर उतर जाऊंगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी इसी तरह का बयान देते नजर आए। कभी बोलते नजर आए कि बीजेपी पार्टी से पोस्टर ऐसे हट रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग हट रहे हैं। कभी ये बोलते नजर आए कि मैं रिटायर्ड नहीं हूं, पूर्व हूं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी उनको ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में लगातार जीतू पटवारी हैं, वो यहां पर शिवराज को साधने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ये चाहते हैं कि शिवराज सिंह उनके साथ आ जाए ताकि बीजेपी की जो मजबूती है उसको एक चोट पहुंचे, बीजेपी की जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने का काम किया जाए। और शिवराज उस बिल्डिंग के मूल मुख्य पिलरों में से एक माने जाते हैं। अगर शिवराज यहां पर मध्य प्रदेश के पिलर से तोड़कर अगर लाए जाते हैं तो मुझे लगता है, और ये विपक्ष पार्टी लगातार कह रही है, कि यहां पर बीजेपी पार्टी टूट सकती है। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मोहन यादव के आने के बाद शिवराज सिंह चौहान को वो सब पसंद नहीं आ रहा, क्या मोहन यादव के आने के बाद शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी नदारद कर रही, क्योंकि मोहन यादव यहां पर यादव वोट साधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान शायद यादव वोट नहीं साध पाएंगे। तमाम सवाल है, सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद है। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से मोहन यादव आने के बाद यहां पर शिवराज को तवज्जो नहीं दिया गया, शिवराज कई बार अपनी पार्टी से दुखी दिखाई दिए, कई बार पार्टी से अलग दिखाई दिए, मीटिंग्स में सिंधिया को पूछा जा रहा है, शिवराज को नहीं पूछा जा रहा, आने वाले वक्त पर क्या यहां पर शिवराज कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस इस वक्त मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और तमाम नेताओं को साध रही। जीतू पटवारी के आने के बाद से ही तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो अब बीजेपी के नेताओं पर अपना कमान को संभाल रही, क्या शिवराज अब इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे? देखिए बिल्कुल आकाश, और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़े दावेदार के रूप में थे, ऐसा लगा कि पांचवी बार भी उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मोहन यादव का नाम सामने आता है, मोहन यादव का नाम सीएम पद के रूप में लिया जाता है, तो हर एक को यही सोचता है कि आखिर मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान के ऊपर तवज्जो क्यों दी गई, लेकिन वो सीएम बन जाते। लेकिन जब से वो सीएम बने हैं आकाश, देखिए आप एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे अधिकारी अपने जूते बनवाने का मामला हो, या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब मोहन यादव बैठते हैं सत्ता में आकर लाउडस्पीकर बंद करने की बात करते हैं, जो रेड़ी पटरी पे कह सकते हैं कि छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको भी काम को बंद करने की बात करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हरदा में जिस तरह से विस्फोट होता है और जिस तरह से अवैध कारोबार होता है, और उसमें भी कहने का उनका नाम निकलकर सामने आता है कि जिस तरह की जल्दबाजी और जिस तरह की कार्रवाई उनको करना चाहिए था वैसा करते हुए नजर नहीं आते, तभी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई मोहन यादव को अधिक तवज्जो बीजेपी ने दे रखी है, जो एक के बाद एक ऐसे खराब काम होने के बावजूद भी बीजेपी उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती, और क्या शिवराज सिंह चौहान से कोई बड़ी चूक हुई है कि उनके मुकाबले तमाम जो नेता हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आप साउथ भेज देते हो। ये जो पूरा प्रोसेस है कहीं ना कहीं ये बताता है कि शिवराज सिंह चौहान की जो स्थिति और जो ताकत थी कहीं ना कहीं उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा कि कैसे वो कहते हैं कि मैं अभी रिजेक्टेड नहीं हूं, यानी कि अभी बहुत सारी संभावनाएं राजनीति की, 63-62 साल की उम्र उनकी है, ऐसी कोई बड़ी उम्र नहीं है, ऐसे में तो कह सकते हैं पॉलिटिकल अनुभव आता है और आप राज्य को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हो। आपने देखा हो, याद होगा आपको कि जब जो
मध्य प्रदेश के अंदर पेशाब कांड हुआ था, उस समय शिवराज सिंह चौहान ने उस शख्स को अपने घर बुलाया, बाकायदा अच्छे से प्यार से बात की और उसको बैठाया, अपने साथ में खाना खिलाया, तो यानी कि एक तवज्जो दी और जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते हुए नजर आए। तो ये एक सीएम का कर्तव्य होता है कि अगर राज्य में कोई गलत चीज़ हो भी रही है तो उसको वो कैसे संभाले, लेकिन मोहन यादव के अंदर वो गुण नज़र नहीं आता। लगातार अनेक मौक़ों पर ऐसा देखा जाता है कि जब उनको राज्य की ज़रूरत होती है तो वो या तो बिहार में होते हैं या फिर बाहर होते हैं। आपने देखा किस तरह से जो बुलडोजर की कहानी उनकी सुनाई देती है, कई बार कुंभ को लेकर बात करते हैं, यानी कि आस्था के रूप में वो बातें तो करते हैं लेकिन विकास जो होना चाहिए राज्य में उसके ऊपर उनकी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते, कोई चीज़ सामने नहीं आ पाती। सवाल यही उठते हैं कि क्या बीजेपी ने उनको सीएम बना के अपने लिए गलती तो नहीं कर दी? लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में अगर निगेटिव इमेज बीजेपी की अगर क्रिएट हुई मध्य प्रदेश के अंदर तो उनको आने वाले लोकसभा में बड़ा घाटा इसका हो सकता है। वाकई में देखिए, मोहन यादव के आने के बाद से मध्य प्रदेश में जो बदलाव देखने को मिले वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव थे। मोहन यादव के आने के बाद यहाँ पर तमाम कांड देखने को मिले, हाल ही में हाथरस कांड चल रहा है जहाँ मोहन सरकार लगातार लपेटे में आ रही। कहा जा रहा है कि जब मोहन सरकार को ये जानकारी थी कि वहाँ पर पटाखा फैक्ट्री में इस तरह की घटना हो सकती है, वहाँ पर अवैध तरीके से काम चल रहा है, तो फिर मोहन सरकार कर क्या रही थी? सवाल उठता है कि जब यहाँ पर विस्फोट होते हैं तो मोहन सरकार क्या काम कर पाती है? सब मिलने ही जाती है लोगों की या उनकी मदद भी कर पाती है? बताया गया कि 12 लोगों की यहाँ पर मौत हुई, यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए, लेकिन मोहन सरकार सिर्फ मिलने जाती है और अब तक ना किसी मुआवजे की बात कही ना ये बताया कि आपको सरकार की तरफ से कोई राहत मिलेगी। उसके पहले अगर जाया जाए तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति को तोड़ा जाता है, ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो दलित समुदाय के लोग हैं वो अम्बेडकर की मूर्ति रखती हैं। तो क्या ये सब मोहन यादव को जब पता होता है, याचिकाएँ दायर होती हैं, तो मोहन सरकार क्या करती है? क्या दुर्घटना होने का इंतजार करती है? क्या जब वो कांड हो जाता है तब अपनी प्रतिक्रियाएं देती हैं? और हाल में जब हाथरस कांड चल रहा है ऐसे में मोहन यादव का बयान आता है कि अब आप देखिएगा कि कुंभ का मेला कितना शानदार होगा, मेरे आने के बाद कुंभ का मेला कितना बेहतर होगा, और अब बीजेपी ने अपनी गाथा लिख दी, 28 में बीजेपी आएगी, उसके बाद बीजेपी आएगी, बीजेपी ही आएगी। तो यहां पर मोहन यादव को लाने के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने गलती कर दी। मोहन यादव ये बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ की नगरी से आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं वो जनता को दिखाई नहीं दे रहा, मध्य प्रदेश की जनता उनसे नाराज समझ में आ रही है। ऐसे में क्या कुछ बोले मोहन यादव, आप सुनिए जरा। किसी क्षेत्र के अंदर कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, कोई भी क्षेत्र अगर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क मिल जाए, इसके बाद बचता क्या है? और हम तो भोलेनाथ की नगरी वाले लोग हैं, हमारा तो डंका बज रहा है अभी यार वापस 24 के बाद 28 आने वाला कुंभ मेले का, और इस बार का जो कुंभ आएगा दुनिया देखेगी कि कुंभ मेले का आनंद कैसा होता है और पूरे क्षेत्र के अंदर विकास किस प्रकार से होगा। सुना आपने? तो दर्शकों, यहाँ पर मोहन यादव साफ तौर पर ये ताल ठोकते हैं कि उनके आने के बाद सब कुछ बेहतर हो गया है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेहतर हो रहा है, कुंभ के मेले में आप देखिए क्या शानदार आयोजन होगा। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, मोहन यादव ये दावा ठोकते हैं कि वो एक बेहतर नेता हो गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो आए हैं मध्य प्रदेश में उलट पलट देखने को मिल रही है, तमाम ऐसे कांड हैं जो मोहन यादव के आने के बाद ही शुरू हैं, जबकि शिवराज थे तब ये सारे कांड नहीं आए। भले शिवराज के समय में यहाँ पर सारी चीज़ें अवैध चल रही हो लेकिन ऐसी घटनाएँ देखने को नहीं मिली, मोहन के आते क्या ये सब चीजें उजागर होने लगी या मोहन यादव कमान सही से नहीं संभाल पा रहे? देखिए, बिल्कुल इसमें शासन प्रशासन दोनों इन्वॉल्व होता है और अपने आप में ये बहुत हैरानी करने वाला मामला है। हालांकि ये बात भी सच है कि जो ये फैक्ट्री चल रही होगी अभी नहीं लगी होगी, काफी समय से चल रही होगी, और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसे फैक्ट्री पहले से चलती आ रही थी और मोहन यादव को अगर नहीं पता है, अगर नई सरकार में बैठे, तो मेरे ख्याल से ये भी हैरानी की बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि राम राज आएगा, सुशासन आएगा, तमाम चीजें बेहतर होंगी, तो उस सब में आखिर ये जो अवैध कारोबार है कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, कौन जिम्मेदार इसका है, क्या अधिकारियों ने उनको नहीं बताया? और देखिए, ऐसी फैक्ट्रियां चलना अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ऐसा काम है जो जनता के लिए बहुत घातक है, क्योंकि अगर ऐसा विस्फोट होता है तो देखिए आपने किस तरह का जो है ये नज़ारा देखने को मिला, वहाँ पर काम करने वाले 200-250 लोग की जो कह सकते हैं घायल होते हैं, 10-12 लोग मर जाते हैं, और इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार है, कोई और नहीं है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने देखा कि तमाम बार ऐसा होता है कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएँ राज्य में बड़ा एक कह सकते हैं माहौल, डर का माहौल कायम कर देती है कि जिस सरकार में लगातार अवैध कारोबार फल फूल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस सरकार की जो जो गिरफ्त है वो कितनी कमज़ोर है, कितना कह सकते हैं कि लापरवाही से काम हो रहा है, अधिकारी अफसर सब लोग अपनी अपनी
जो है राह पे नज़र आते हैं, लेकिन काम जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पर ये काम नहीं होता है। अवैध निर्माण, अवैध जो कारोबार की कह सकते हैं फैक्ट्री है या कंपनियाँ हैं, कब तक और कितनी यहाँ पर नज़र आती हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई विचार विमर्श नहीं है। तो ऐसे में मोहन यादव सरकार के ऊपर तमाम सारे आरोप हैं कि आखिर वो किस तरह से काम कर रही है, मूर्ति तोड़ी जाती है, उसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता। तो एक के बाद एक कहीं ना कहीं विवादों में घिरते हुए मोहन यादव नज़र आ रहे हैं। अब क्या बीजेपी आला कमान, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, अब क्या उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन करती हुई नजर आएगी, क्या उनके ऊपर कोई कह सकते हैं कि जिस तरह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं क्या कोई और चेहरा तलाशती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी पूरे का पूरा माहौल देखें तो मोहन यादव पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। आने वाले दिनों में अगर हरदा का ये मामला इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो बीजेपी जरूर उनसे सवाल जवाब करेगी। वाकई में देखिए, हरदा का जो मामला सामने आया वाकई दिल दहलाने वाला था। लोगों की जान जाती है, चीथड़े उड़े उड़े दिखाई देते हैं, जनता परेशान होती है, महिलाएं रोती हैं, मोहन यादव के काफिले के आगे आ जाती हैं, लेकिन मोहन यादव बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देते, उल्टा अपने वाहवाही लूटने के लिए अपने बयानों को देते और बताते हैं उनसे बेहतर नेता नहीं है। ये वही मोहन यादव हैं जिनको कुछ वक्त पहले लोग जानते भी नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज चारों तरफ उनकी चर्चाएँ हो रही हैं, और चर्चा होती तो भले के लिए होती तो भी माना जाता, लेकिन चर्चाएँ यहाँ पर बुराई के लिए हो रहे हैं। लोग उनको कोस रहे हैं, लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं कि मोहन यादव किस प्रकार के मुख्यमंत्री, क्या उनके दिल में अब यहाँ पर जनता के लिए जगह नहीं, क्या शिवराज जो जनता के लिए कर गए मोहन यादव कभी कर पाएंगे या फिर नहीं। ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। दर्शकों, देखना अब ये होगा कि मोहन यादव क्या यहाँ जनता के प्रिय बन पाते, क्या बीजेपी ने मोहन यादव को यहाँ पर उतार के बड़ी गलती कर दी, और क्या लोकसभा चुनाव होने के बाद या उससे पहले शिवराज को दोबारा से मौका मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाय।